हाय फ्रेंड्स, बचपन चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हैं गोरखपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विष्णु मंदिर में। मैं आज आपको आज से करीब 100 वर्ष पहले बने इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूँ, जिन्हें जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बेशकीमती कसौटी पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक है। कहा जाता है कि पूरे देश में काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति सिर्फ दो ही हैं, एक जगन्नाथपुरी में और दूसरा गोरखपुर के इस विष्णु मंदिर में। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण 8 मई 1922 ईस्वी को मझौली राज की महारानी रानी श्याम सुंदर कुमारी ने कराया था। यह मंदिर असुरन पुलिस चौकी से 200 मीटर आगे मेडिकल रोड पर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति 12वीं सदी के पाल वंश के समय की है। यह मूर्ति सबसे पहले असुरन पोखरे के पास गोरख मिस्त्री को मिली थी। वो इस मूर्ति की साफ सफाई करके अपने घर लेकर चले गए। जब घर पे इस मूर्ति को रखने की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति को शिव पूजन मिस्त्री के यहाँ रखवा दिया। जब इस बात की सूचना स्थानीय कलेक्टर को लगी तो उसने इस मूर्ति को विवादित बताकर मालखाने में रखवा दिया और फिर उसे लखनऊ के अजायब घर में भिजवा दिया। वहाँ से इस मूर्ति को लंदन भेजने की तैयारी चल रही थी। उधर दूसरी तरफ गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस मूर्ति को लेकर धार्मिक आंदोलन तेज हो गया था। मझौली राज की महारानी श्याम सुंदर कुमारी ने इसके लिए कोर्ट केस लड़ा और फैसला उनके पक्ष में आया। भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा मिलने के बाद उन्होंने फिर असुरन पोखरे के पास ही भगवान विष्णु का यह मंदिर अपने पति के याद में बनवाया। इस मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको चारों धाम के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान बद्र विशाल, द्वारिकाधीश, भगवान रामेश्वर और भगवान जगन्नाथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। कसौटी पत्थर से बनी भगवान विष्णु की चार भुजाओं वाली इस मूर्ति के बारे में एक बात प्रचलित है। कहा जाता है कि दिन भर में भगवान विष्णु तीन तरह से मुस्कुराते हैं। आप चाहें तो इसके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भक्तों का तांता लगा रहता है। साल में एक बार 9 दिन का महायज्ञ भी होता है। बाबा गोरखनाथ मंदिर की तरह यहाँ पर भी लोग वर वधु के मेल कराने या फिर अन्य मांगलिक कार्यों के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा गोरखपुर का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार साझा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें।